जवान कार्यकर्ता, आप तो समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं। अबे हम कहीं के नहीं है अखिलेश भैया, आइए। आप डायल 100 करिए, क्यों परेशान हैं आप? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। बहुत शानदार खेले हैं आप, क्या हाथ मिलाया है आपने, तारीफ करनी पड़ेगी हमें। हाथ पे हाथ धर के बैठना पड़ रहा है हमें। मेरे साथ चलें और बताएं कि क्या हुआ है। आइए चलिए, हम आपको बताते हैं। हाँ बताएं। आपने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, एक्सप्रेसवे बनाने की बातें कही, बिजली फ्री करने की बातें करी, लैपटॉप बांटने की बातें करी, क्या हुआ? कम से कम जनता के बीच उन चीजों को कार्यकर्ता नहीं लेके गए। लैपटॉप बांटे हैं, 80 लाख लैपटॉप। अच्छा, एक एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे दिया, डायल 100 दी हमने, और कई ऐसी योजनाएं थी, समाजवादी पेंशन। अब पेंशन बताइए भ्रष्टाचार हुआ? ये कम से कम हम अधिकारियों को देखना चाहिए था, नेताओं को देखना चाहिए था। ये लिखती बातों से आप अखिलेश भैया थोड़ा बाहर आके प्रैक्टिकल बात बताएं हमें। प्रैक्टिकल आपको, आपकी हार का सबसे बड़ा आप जो पहलू मानते हैं वो किसे मानते हैं? मैं तो कहूंगा कि अगर साइकिल ने हाथ के साथ गए तो जो यूपी को जो साथ पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसका कोई बेस ही नहीं था। अखिलेश ने पूरी कोशिश की। आप मानते हैं कि आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसका बेस नहीं था, जो पंचर थी, डगमगा के गिर गई और आपको पता भी नहीं चला? मैं कह सकता हूँ कि मैं नहीं मानता यह बात, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। जो हारने वाले जो कार्यकर्ता है हमारे, उनसे समीक्षा की है। मतलब आप अपनी गलती नहीं मान रहे, आप अपने जो गलतियों का सिहरा है वो दूसरों के सिर मंड रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं कह सकता हूँ कि एक फिल्म है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अब आप ये कहिए कि हम कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते रहेंगे, फिर हम लुढ़कियां खा के गिर जाएंगे, फिर भी हमें हाथ पसंद है। काम बोलता है, कहाँ बोला आपका काम, हमें नहीं सुनाई दिया भैया, कहाँ बोला है? ये राजनीति है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। और आगे बढ़ना है तो इन चीजों को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सब कार्यकर्ता आगे बढ़ें, ये अपील मैं आप सभी से करूंगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए अखिलेश भैया, ये आलू की फैक्ट्री आपने लगा ली? भाई फैक्ट्री में आलू होता है क्या? आलू की फैक्ट्री तो नहीं लगाई, लेकिन नारियल का जूस जरूर पीने का इंतजार मैं कर रहा हूँ। पाइनएप्पल जूस पिए? मैंगो वाटर पिया कभी आपने? नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। अरे भैया गधा, गधा काहे नहीं बोल रहे आप, गधा महंगा नहीं पड़ा आपको? मैंने गधा उस गधे को बोला था जिसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चल रहा था। अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। मैंने उसको गधा बोला। मेरा गधा गधों का लीडर। बहुत शानदार किया आपने अखिलेश भैया, उसका फायदा क्या हुआ, निचोड़ क्या निकला? आप तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे, नहीं लगा ना? मैं फिर भी अपील करूंगा कि आप सभी लोग, नौजवान लोग, एक साथ फिर हार की चीजों को देखें, आगे बढ़ें, जनता में जाएं। सपा बसपा कांग्रेस। अखिलेश भैया, बुआ जी का भी शिपड़ा साफ हो गया बिल्कुल, बहुत शोर मचा रही थी वो। ये दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए केवल अब ये चुनाव लड़ रही हैं। अभी बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। आप तो ये भी कह रहे थे कि हम उनके साथ गठबंधन कर लेंगे, इतना नहीं हुआ तीनों पार्टी का मिलके कि एक सरकार बना लिए जाए और एक पार्टी को हरा दिया जाए। सॉरी, इतना नहीं हो सका आपसे। उनके पत्थर के हाथी जो बैठे हुए हाथी थे खड़े नहीं हो रहे थे, और जो खड़े हुए हाथी बैठ नहीं रहे थे वो कम से कम बैठ गए हैं। और आपकी जो साइकिल को ब्रेक मारी है, जिसकी सारी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं कह सकता हूँ कि हमेशा साइकिल को रोकने का काम, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, हाथ ने किया है। हाँ, अब आई ना बात, अब आई ना ये बात। नेताजी ने जो कहा था वो कम से कम अगर हमने नहीं माना तो उसका गलती की सजा मिली है। कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा आप ये मुझे एक बात बताइए, आप ये मानते हैं कि इस वक्त अमित शाह और शिवपाल यादव होली मना रहे हैं? मैं उनकी कम से कम बात नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कहूंगा, और मैं उन्हें होली की मुबारकबाद देता हूं और जीत की मुबारकबाद देता हूं। और आप हमारे मुंह पे रंगों की बजाय एक चौक पेंट कर रहे हैं क्योंकि हम सफेद होली मनाएं।
शांतिपूर्वक, है ना, यही कहना चाहते हैं ना? मैं बिल्कुल कहता हूँ शांतिपूर्वक और एक अच्छी रंगों की होली मनाए और अच्छा त्योहार जाए आपका। रंग भर भर के होली मनाएगा। अच्छा अखिलेश भैया, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल मान, आपकी सब बातें मान ली, आपकी हार की वजह क्या रही? क्या आपका गठबंधन? हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। या आपका घरेलू झगड़ा? ये इन विचारों का सारा सारा राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया। मैं हार की वजह की सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कहूँगा कि चुनाव प्रचार बहुत देर से हुआ। अच्छा, जब चुनाव प्रचार का टाइमिंग था तो झगड़ा चल रहा था, गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन था लोगों में, और हमारे खिलाफ तो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा, टाइपराइटर मंगाया गया, कभी कंप्यूटर, कभी चिट्ठी लिखवाई गई, और चुनाव प्रचार के बीच इतना अच्छा विकास हुआ तो उसको ले जाने के बजाय जो झगड़े हुए, साजिशें हुई, मतलब आपको सब कुछ पता है लेकिन आपने इस पे अमल नहीं किया। मुद्दे की बात तो ये है, मैंने अमल किया, नेताजी से नाराज हुए, कईयों को पार्टी से निकाला गया, रातों रात संगठन की बैठक बुलाई गई, तो अमल किया। अच्छा ये बताइए, आपने साइकिल पे जिसको बिठाया उसका जो, आपने पहले तो ये बताइए कि क्या सोच के बिठाया? सॉरी कि सरकार बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। अच्छा बोलने दो। मैंने देखा कि उनकी खाट लूट गई। वाह, और यहाँ पर हमारी लूट गई। गलती कर दी, सही बात। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी लूटी बहुत दुख है, उनकी लूटी इसलिए दुख नहीं क्योंकि वो नौजवान हैं, अभी अनमैरिड हैं, उनको कम से कम अभी खाट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है। आ गए, नमस्कार। सर आपकी बातों से अखिलेश भैया हम तो खाट पर लेट गए, हम तो सीधे हो लिए। आप सीधे होने से काम नहीं चलेगा आपको। अब अखिलेश भैया, अब आपको एक बात बताएं जी, अब होने क्या वाला? प्लीज कोऑपरेट। अब होने वाला हम बता रहे हैं अखिलेश भैया, आप बोल चुके हैं, आपने जितना बोलना था, कहना था, सुनना था, मिलाना था, हाथ मिलाना था, सब कुछ कर लिया। अब तो पता क्या होगा? अब होगा आराम की थकन से बदन चूर चूर है। क्यों अखिलेश भैया, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? मैं ये कह सकता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समाजवादी दोबारा जीतेंगे, खड़े होने की जरूरत है और दोबारा जनता के बीच जाना होगा आपको, आप कार्यकर्ता हैं,